हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है कैंडल, तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करना चाह रही थी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, सुबह से, मतलब जब से मैं उठी हूँ, मैं सारे काम कर रही थी ना, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है। ऐसे रह नहीं पा रही थी मैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे आपके पार्टनर के कोई फीलिंग्स है जो अब तक कन्वे करने हैं। तो ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स के लिए है कि इस वक्त वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फीलिंग्स भी देखेंगे, बट चाहते क्या है इस रिश्ते से या आपसे अब ये क्या चाहते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोल और यहाँ पे है कैंडल, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। कैंडल को लाइट कर लेती हूँ मैं। ओके, तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। फोकस अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा, क्लियर एनर्जीज को पिक कर पाऊंगी मैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर है उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है, लाइक ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे सीरियसली, लाइक आप उनके बारे में सीरियस नहीं हो। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कभी भी उनके लिए सीरियस नहीं थे या आप उनके लिए सीरियस नहीं हो। ठीक है, आपकी फीलिंग्स सीरियस नहीं है उनके लिए, ऐसा उनको लग रहा है या फील होता है। तो वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा, अगर आप प्यार करते हो तो आप प्रूव करें, एफर्ट्स डालें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप बोलते तो हो आई लव यू या जो भी, लेकिन जब बारी आती है उसको फील कराने की तो नहीं कराते, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ना, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं रही है। या तो आप परेशान हो गए हो उनसे और मूव ऑन हो गए हो, या तो उनको लगता है कि आपने सारे दिल के दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं उन तक, लाइक आप तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल उन्हें लग रहा है आप तक पहुंचना। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बेसिकली दे वॉन्ट टू टेक एन एक्शन, मुझे एक्शन लेने के लिए तैयार दिख रहे ये पर्सन, मतलब बस वो अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन थी जो देनी थी या लेनी थी आपसे, तो वो उस क्लैरिफिकेशन पे बात करना चाहते हैं, बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं आप दोनों के सिचुएशन में। ठीक है, उन्हें लगता है कि जैसे आपने उनसे सारे हक छीन लिए हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसे लगने लगा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप मूव ऑन हो गए हो, आप इनसे डील नहीं करना चाहते, ऐसा इन्हें लग रहा है। ठीक है, और ये तो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना, रिश्ते को एक मौका देना, आगे बढ़ाना, न्यू बिगिनिंग करना। ठीक है, बट उन्हें लग रहा है कि आप वो नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही चाहते हैं अब आपके साथ रिश्ता रखना या बनाना, और आप नहीं चाहते। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन, चाहे इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया हो या बात करनी बंद की हो, इनको अब सहन नहीं हो रहा है अपने फीलिंग्स से भागना या अपने पैशन को छुपाना, अपने प्यार को छुपाना, कंट्रोल करना अपने फीलिंग्स पे, ये उन्हें और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा, अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने फीलिंग्स पे। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने दूरी बनाई आपसे, आगे बढ़ते गए, इनके लिए मुश्किल होता गया, इनको ऐसा लगने लगा जैसे उनके ही गलतियों का या उनके ही डिसीजंस का बोझ किसी ने उनके सिर पे डाल दिया हो। काफी ज्यादा आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रही है,
जो इन्होंने शायद ही कभी समझी थी। मुझे लगता है अभी ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो तब उनकी लाइफ कितनी सूनी हो जाती है, कितनी बर्डनफुल हो जाती है, ऐसा इस पर्सन को अभी महसूस होने लगा है। तो रियलिटी बेसिकली इनको समझ में आने लगी है अब आप दोनों के रिश्ते की और आप दोनों के प्यार की। तो अब आपकी वैल्यू करने लगे हैं, समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। मुझे लगता है कि कुछ तो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं जो आप इनसे चाह रहे थे, जिस वजह से आप दोनों में दूरी आई, आपने मांगा उनसे वो चीज़, आपने मांगी का चाहे वो कमिटमेंट हो या कोई चीज़ जो आप उनसे चाह रहे थे जो वो आपको दे नहीं पा रहे थे ना, अब वो आपको वो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ़र करें, कमिटमेंट ऑफ़र करें, या आप अगर चाहते थे कि वो ऑन एंड ऑफ ना करें तो वो देना चाहते हैं आपको, ठीक है। इस पर्सन ने मुझे लगता है आपके बिना बहुत ही बुरा समय बिताया है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन आपके बिना, या नहीं रहे हैं जब से आपसे दूर थे, या आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स थी तो काफ़ी अकेला पाया है इस पर्सन ने अपने आप को, आपके प्यार को मिस किया है। आप इनकी काफ़ी केयर किया करते थे, इनकी काफ़ी आपने हर कोशिश की है इस प्यार को इस प्यार को मुकम्मल करने की, इस पर्सन को अपना प्यार समझाने की, दिखाने की, बट इस पर्सन को तब समझ नहीं आया एंड अब ये रो रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि उनकी गलती क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए था। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, ठीक है। मुझे ना इस पर्सन की फीलिंग्स पता है कैसी फील हो रही हैं, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिड़चिड़, मतलब बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रहे हैं इस पर्सन के। कभी गुस्सा हो रहा है, कभी इमोशनल हो रहा है, कभी रेस्टलेस हो रहा है, कभी शांत रह रहे हैं, कभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मेंटल स्पेस में है इस वक्त, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत बहुत सपने हैं जो पूरे करने हैं, बहुत प्यार देना है आपको। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप गुस्से में हो, या आप अपने दरवाजे बंद कर लिए अपने दिल के, अपने ज़िंदगी के, और अब आप इनसे डील नहीं करना चाहते हो। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है उन्हें लगता है आप गुस्सा हो, आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो या बात नहीं करना चाहते हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, और आपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, या तो आप इमोशनली ब्लॉक्ड स्टेट में चले गए हो, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन ना कम्युनिकेट करेंगे बहुत ही जल्द, अगर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है काफ़ी समय से, क्योंकि अब ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी सिचुएशन में, अब ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। आपकी बहुत याद आ रही है इस पर्सन को, मुझे लगता है अब ये पर्सन को चाहे आपको चेज करना पड़े, चाहे आपके पीछे भागना पड़े, आपको मनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो रेडी है, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ मीनिंगलेस है, टोटली मीनिंगलेस। ओके, और भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा उनके बिहेवियर से इनकी, नहीं वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, मैं जो लोग जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपको पता है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस रीडिंग के दौरान कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी है, ठीक है। तो अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये रीडिंग मे बी आपके लिए नहीं है। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी नहीं है, स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो ही फिर आपके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दी है रीडिंग के दौरान। अब हम कार्ड रीडिंग करेंगे तो देखते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए अब रेडी हो रहे हैं, अपने माइंड को समझा रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं। ओके, मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, इनकी तरफ से कुछ शुरुआत होते हुए दिख रही है। ओके, बेसिकली आप दोनों के बीच ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था जिसको क्लैरिफाई करने की इनको नीड, ज़रूरत महसूस हो रही है, या तो स्टक सिचुएशन है उसमें मूवमेंट लाने की इनको ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त। चलिए कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं।
फोकस प्लीज अपने पर्सन पे रखेंगे तो अच्छा होगा. अपने पर्सन पे फोकस रखिए, सोचिए उनके बारे में. आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन. किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो और सैगिटेरियस एनर्जी है. जैसे मैंने आपको बोला ना, एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है कि ये पर्सन देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. ओके जब भी आपकी तरफ देखते हैं बड़ा हैप्पी फील करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत हैप्पी फील करते हैं. सी आई टोल्ड यू हैप्पीनेस की बात की और बॉटम डेक में सन की एनर्जी थी लियो. डेफिनेटली ये पर्सन के लिए आप हैप्पीनेस हो, उन्हें समझ में आ चुका है या रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि आप उनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो. यू नो दे नीड यू इन देयर लाइफ, उनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा ये पर्सन अब महसूस करने लगे या रियलाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, और वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है. मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत खुश हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज लियो और सैगिटेरियस एनर्जी है. देखिए इस पर्सन को, इस रिश्ते को सक्सेस करना है, सक्सेसफुल करना है. और अब ये पर्सन ना, पहले अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, भूल गए थे या दिखा रहे थे मैं भूल गया हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन आपको भूल पाए हैं. लेकिन अब इस पर्सन को ना आप में अपनी खुशी, विक्ट्री, इस रिश्ते की ब्यूटी दिख रही है इस पर्सन को. ओके, होपफुल हो रहे हैं. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस. डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन के लिए को समझ चुका है कि आप उनका सच्चा प्यार हो. किंग ऑफ कप्स इज समवन जो सीरियस होता है अपने प्यार को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, कमिटेड होता है. ठीक है, और इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि उनको जो जिस लेवल का प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, वो आप ही दे सकते हो. और इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स भी रियलाइज़ हो रही है कि कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है मेरी इस पर्सन के लिए. नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट एंड बॉटम में है यहाँ पे द हैंग्ड मैन. यस, मैंने आपको बोला ना इस पर्सन को वैक्स रीडिंग के वक्त भी मैंने आपको बोला था, स्टक सिचुएशन में मूवमेंट चाहते हैं और बेसिकली यही एनर्जी है यहाँ पे. पाइसिस और लिब्रा एनर्जी, डेफिनेटली ये इस सिचुएशन में मूवमेंट लाना चाहते हैं. अगर इनके किसी डिसीजन की वजह से सिचुएशन अटकी पड़ी थी तो फाइनली वो डिसीजन आपको दे देंगे एंड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को. अब ना तो खुद अटक के रहना चाहते हैं और ना तो आपको अटका के रखना चाहते हैं. ठीक है, और ये जो भी डिसीजन होगा पॉजिटिव ही होगा, आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा आपके ज़िंदगी में. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस. एंड बॉटम में है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद, ये दोनों कार्ड्स जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन को भी बहुत ही परेशानी को झेलना पड़ा है, बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत दिल दुखा है इस पर्सन का भी और आपका भी, दोनों का. ये आप दोनों की एनर्जी है. जब उन्होंने छोड़ा तो आपका भी दिल टूटा एंड जब उन्होंने आपको छोड़ा तो आपके आपसे दूर जाने का दुख इनको भी हुआ है. तो आपसे दूर जाकर इस पर्सन को कुछ नहीं मिला बजाय के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन. ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा. ठीक है, बट जब वो वहाँ पे गए तो उनका भी दिल टूटा. हो सकता है कि जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था उन्हीं ने इनका दिल इनको वही दुख दिया जो आपको इस पर्सन ने दिया है. तो बेसिकली इनको इनका कर्मा मिल चुका है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, नाइट ऑफ कॉइंस, कैंसर, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. देखिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हो और आप में ही अपनी स्टेबिलिटी देख पाते हैं. काफ़ी होपफुल है, आप तक पहुंचना चाहते हैं, देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कुछ. ठीक है, जुगाड़ कर रहे थे बेसिकली कि कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए, कैसे आपको प्यार दिया जाए. एंड अभी स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ, आपको ऐसा लग रहा था मे बी कि अगर ये पर्सन इतना प्यार करता है तो इतना समय क्यों ले लिया इस पर्सन ने. तो ये इसलिए क्योंकि वो देख रहे थे, प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है जो दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं. कुछ भी करेंगे तो दिमाग को सबसे पहले यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल है. ठीक है, बट आपसे प्यार डेफिनेटली दिल से करते हैं.
तो ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं विद स्टेबिलिटी एंड विद अ वेरी स्टेबल ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज, एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सी, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना तो आगे बढ़ना आया और ना तो कभी आपके इन्होंने हमेशा ना जब भी आगे बढ़ने लगे वापस मुड़कर आपके पास देखा, आपको स्टॉक करने लगे, तो ये अटके रहे हैं हमेशा ही, क्योंकि आपसे ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं और ना तो आपसे ध्यान हटा पा रहे हैं। बार बार आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक करते हैं, बार बार या तो इन्होंने मे बी आपको पास्ट में कुछ बहुत बुरा भला बोल के पीठ दिखा दी आपको, एंड अब उनको बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है। और ये आपको देख भी रहे हैं कि क्या आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, क्या आप इनसे आगे तो नहीं बढ़ गए लाइफ में किसी के साथ, ये भी ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। एंड जो ओवरऑल आपके लिए इस वक्त जो करंट एनर्जी है वो है एस ऑफ कप्स, प्यार की एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली इस प्यार की एक नई शुरुआत होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। डेफिनेटली इस प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है, ओके। वाओ, नीचे देख रहे हो कौन सा कार्ड है, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स भी तो देखना ज़रूरी है ना, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, ओके। आपके लिए कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट स्टेबिलिटी, आप चाहते हो ये पर्सन शादी के लिए बात करे, आगे बढ़ाए रिश्ता, घर पे बात करे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों में क्लैरिटी नहीं हो पाई है रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। आप वही चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आप क्लैरिटी आए, ये आपको क्लियर वादा करे, कमिटमेंट दे, शादी की बात करे, घर पे बात करे, क्योंकि कंपैटिबिलिटी है, प्यार है, तो शादी के लिए बात करने के लिए मैं क्या बुराई है, ठीक है। किसी किसी के लिए, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए या तो ये कन्फ्यूजन आपको है, या तो आपके लाइफ में चॉइसेस है, या तो आप शादीशुदा हो, या तो ऑलरेडी आपकी फैमिली है और आप नहीं समझ पा रहे हो, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं शादी कर पाऊँगी या नहीं, या कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अब इस रिश्ते में थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं कभी जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको मिल भी पाएगा या नहीं, पता नहीं ये पर्सन कभी भी आपको क्लियर अपना ट्रुथ बोलेंगे या नहीं, अपने दिल की बात बताएंगे या नहीं, क्योंकि आपको बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है। अपने तरफ से देखकर आपके ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, ना तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ना तो सच्चाई बता रहे हैं, ना तो दिल की बात सामने रख रहे हैं आपके। यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्टार, एक्वेरियस, एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सी, आप तो अभी भी होपफुल हो, चाहे सेपरेशन आया हो बहुत बुरा, फिर भी आप होपफुल हो, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे फोकस क्यों नहीं हो रहा है, क्लैरिफिकेशन चाहते हो, और आप इस रिश्ते से अभी भी होपफुल हो कि ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। एंड बॉटम डेक में ओवरऑल एनर्जी आपकी है टू ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के कॉल का, टेक्स्ट का, इनके आने का, आप इनकी राह में आंखें बिछाए बैठे हो लिटरली, ठीक है। चलिए, आपके लिए देख लेते हैं एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही जल्द हमारा सेटअप चेंज होने वाला है, आई होप आपको पसंद आएगा, देखते हैं कब हो पाता है, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपके लिए जो एडवाइस है वो क्या रहेगी, द आउटसाइडर। देखिए, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन गैदर करो, अपने आप को अकेला मत महसूस करो। हाँ, आपको तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको अपने लाइफ से दूर कर दिया है, अजनबी की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन मुझे लगता है कि डोंट गिव अप, ठीक है। आप मुझे डेफिनेटली एक आइसोलेटेड वाली फीलिंग आपको लग रही है कि इस पर्सन ने बहुत करीब रहकर बहुत दूर कर दिया है आपको, अजनबी कर दिया है। सी, अंडरस्टैंडिंग, मे बी आपको अब इस पर्सन को दूर से ही समझने की, इस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी है। अभी जो सेपरेशन है उसको यूज़ करो आगे की प्लानिंग्स के लिए, अच्छा सोचने के लिए, ठीक है। इनको समझने की, जानने की कोशिश करो, आपके पर्सन को कैसे है, क्या चाहते हैं, आपको समझ जाएगा, ठीक है। थंडर बोल्ट, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ना ये शॉकिंग पीरियड है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
रियलिटीज़ या तो आप को इस पर्सन की सामने आ रही है, या तो इस रिश्ते को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली समझ आ रही है, जो कि एक शॉकिंग रेवलेशन की तरह है आपके लिए। तो देखिए, कभी कभी कुछ रियलिटीज़ पता चलना भी अच्छा होता है हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? तो जो भी आपको पता चल रहा है, या जो भी किसी किसी के लिए, तो मुझे लगता है आप उस सेपरेशन के दुख से ही बाहर नहीं निकल पाए हो अब तक, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। एंड आखिरी है प्लेफुलनेस। तो बहुत सीरियस हो रहे हो, बहुत रो रहे हो, धो रहे हो, तो ऐसे मत करिए। थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आइए, हंसी खेल हंसते खेलते सब कुछ हासिल होगा। एंड यहाँ पे बॉटम में है टर्निंग इन, तो अपने अंदर झांकिए, अपने विजडम को फॉलो करें, अपने आप से कुछ सवाल जवाब करें। आपको डेफिनेटली कोई हिंट मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, पर मैं सब ठीक करूंगा। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। चाहे दूरियाँ कितनी भी हो, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये मैसेजेस थे, अब और देख लेते हैं। मैसेज लिख के मिटा देता हूँ, फ़ोन लगाकर काट देता हूँ। तो मुझे लगता है ये पर्सन बार बार कुछ मैसेज, दिल की बात लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, फ़ोन लगाकर कट कर देते हैं। हो सकता है किसी को यहाँ पे मिस कॉल आया हो इस पर्सन का गलती से। मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करनी है। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। धीरे धीरे अब तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, आगे बढ़ते और मैसेजेस देखते हैं। अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। ये दिल तुम्हारे बिना किसी भी काम नहीं, काम का नहीं। मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूंगी। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है। वाह, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ज़रूर बताना कमेंट्स में। और क्या कुछ रेजोनेट हुआ वो भी बताना, एक लाइक चिपका दीजिएगा। एंड पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है वो प्रेस करिएगा। एंड अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके फिर से एक बार प्रेस करिएगा, ठीक है? ताकि फिर से कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो शुरू हो जाएंगे, टेक्निकल कुछ इश्यूज़ होंगे शायद। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेसलेट की इंक्वायरी के लिए नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट्स में मत पूछिएगा रेट क्या है, चार्जेस क्या है, आपके पिन कोड पर डिपेंड करता है, तो पिन कोड मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।